टू व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ प्याज भरे करेले, जिसके लिए हमें 1 किलो करेले चाहिए। आधा किलो हमने प्याज ले ली है जो कि हमने बारीक काट ली है। हम ये स्पाइस डालेंगे इसमें। हमने 4 टीस्पून सौंफ लिए हैं, 4 टीस्पून ही हमने साबुत धनिया लिया है, 2 टीस्पून हमने जीरा लिया है और 2 टीस्पून हमने नमक का लिया है। ये अपने जायके के मुताबिक आप कम ज्यादा कीजिएगा। हमने 1 टीस्पून हल्दी का लिया है, ये हमने काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, ये हमने साबुत मिर्च ली है 5 से 6, ये भी आप अपने जायके मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये हमारे पास लौंग है 4 से 6 अदद। ये 2 टेबल स्पून के करीब हमने इमली ली है जिसको हम भिगा लेंगे और ये हमने ऑयल लिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम करेले को इसको हम पहले सबसे पहले हम इन करेलों को छीलेंगे, यूं करके पूरे करेले को हम यूं करके छील देंगे। ये देखिए मैंने इस करेले को इस तरह से छील लिया है ऊपर से और इसको फिर मैं बीच में से एक कट मारूंगी यूं करके और इसका अंदर का जो गूदा है वो रिमूव करूंगी। देखिए मैंने इस तरह से इस पे कट लगा लिया है और इसका मैं बीच में से गूदा इस तरह से रिमूव कर लूंगी। इस तरह से हमने इसका गूदा रिमूव कर लिया है। हमने ये बीज, इसके गूदे के अंदर जो बीज होती है इसको हम एक तरफ रखते जाएंगे ताकि ये भी हम इसमें जब करेले बनाएंगे तो ये हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से बीज आप सारे गूदों में से तकरीबन कोशिश करें कि जितनी निकाल सकती हैं वो बीजें निकाल लीजिएगा। जब हमारे करेले साबुत होंगे तभी हम इनको धो लेंगे, उसके बाद हम वॉश नहीं करेंगे। जब इसको हम इस तरह से इसकी गूदा रिमूव करके बीजें निकाल लेंगे तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं धोएंगे क्योंकि ये फिर बहुत कड़वे हो जाते हैं। जो हमने इसके गूदे में से बीजें निकाली थी वो हमने इस तरह से साफ करके रख ली है। जब आप इसके मसाले के साथ इनकी बीजों की फिलिंग करेंगे तो ये बहुत क्रंची फ्लेवर, आपको क्रंची क्रंची सा लगेगा, बहुत टेस्टी इसका फ्लेवर आएगा। सौंफ, धनिया, जीरा और ये जो हमने ये मसाले रखे थे साबुत मिर्च, लौंग और काली मिर्च, इन सबको हम मिला के पीस लेंगे। ये हमने सारे मसालों को पीस लिया है। ये इमली जो है इसको भी हम भिगो देंगे। इमली हमने भिगा ली है, जब तक ये सही से भीग जाएगी तब तक हम अपनी प्याज फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल लेंगे, इसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा पड़ता है। प्याज काट के रखी थी वो हम डाल देंगे, 1/2 किलो प्याज थी हमारी। प्याज को हमको बहुत लाइट सा ब्राउन करना है। ये जब आप करेले बनाएंगे ना तो आपको इसका बहुत अलग सा टेस्ट आएगा और बहुत मजे के लगेंगे, आप इसको सैर के खा सकते हैं। आप इस तरह से करेले बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको करेले का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा। ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ अपने घर में, मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं, यूनिक स्टाइल के। मैंने जिसको भी खिलाया उसको बहुत पसंद आया, उन्होंने हमेशा मुझसे दोबारा फरमाइश की है कि आप मुझे हमें दोबारा बनाएं तो हमें ज़रूर खिलाइएगा। ये शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि वो भी बना के खा सकते हैं सालन के तौर पे। जैसे अगर करेले वो लोग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना पसंद करते जिस तरह सालन के तौर पे खा सकते हैं, और ये वो बंदे भी खाते हैं जो इसको इतना ज़्यादा करेलों को लाइक नहीं करते हैं। मेरी बेटी भी इतना पसंद नहीं करती है, मगर ये कि जब मैं बनाती हूँ उस तरह से तो वो बहुत शौक से खाती है। देख सकते हैं हमारी प्याज, बस हमें इतनी ही फ्राई करनी है, उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हमने जिसमें मसाला पीसा था ये मिला देंगे। और साथ ही साथ ये अपने इमली का पानी भी हम इसमें डाल देंगे। फिर हम जो हमने बीजें निकाल के रखी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला कितनी अच्छे तरह से हो गया। अब हम इसमें जो हल्दी रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और ये हम इसमें नमक 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, बस हमें इससे ज़्यादा तो नहीं पकाना है। अब हम इसको थोड़ा सा चूल्हे को ऑफ कर देंगे
देसी को थोड़ा टेढ़ा करके रखेंगे ताकि इसका ऑयल जो है एक साइड पे आ जाए। हमारी प्याज थोड़ी सी तेल छोड़ देगी और तेल अलग हो जाएगा, तो हम अपने करेलों में इसकी फिलिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका तेल अलहदा हो चुका है और प्याज अलग है। अब हम ये इसके प्याज इसके जो हमने करेला काटा था इसके अंदर अब हम भरेंगे। इसकी डंडी भी हम छोड़ देंगे, इधर अच्छी लगती है। थोड़ा गर्म होता है बस ख्याल से आप इसको भरिएगा। लेके आप इसकी करके इसको बांध लें और इसको साइड में ऐसे रखते चले जाएं। इसी तरह आप सारे बना लें। ये हमने इस करेले में प्याज का मसाला भर के इसको धागे से बांध के रख दिया है। अब हम इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर ये एक तरफ से पक जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ से पलटेंगे इसको, मगर बहुत आहिस्ता से। अब हम इसको इसका ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसको तकरीबन 1 घंटे के करीब हो गया है। इसको बस थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करना पड़ता है कि इसको हल्का हल्का अगर जहाँ से एक तरफ से हो गया तो फिर हम दूसरी तरफ से पलट देंगे इसको। ये हमें 1/2 घंटा और गुजर चुका है। अब हम देख रहे हैं कि अगर ज़रूरत है तो आप इसको पलट दें, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें थोड़ी देर पकने के लिए, क्योंकि ये अभी गले नहीं है। देख लेते हैं हम कि हमारे करेले कैसे हैं अभी। ये हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी देखें बिल्कुल तेल छोड़ दिया करेलों ने, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते जो इस तरह से बनते हैं, क्योंकि ये इतनी देर तक ऐसा आँच में भुनते हैं इनका सारा जो कड़वापन है सब खत्म हो जाता है और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। चलें अब हम सर्व करते हैं इसको। बस खाने से पहले इसके आप धागे रिमूव कर लें। आप देख सकते हैं हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं, हमने सर्व कर दिए हैं। अब आप इसको गर्म गर्म रोटी से खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं और इनमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होता है। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी करेले की कैसी लगी है, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। तब मुझे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।